इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यह आज हमारे पास एक होम थिएटर आया है। इसके अंदर जो है पावर की दिक्कत आ रही है कि जब हम इसमें ये पावर वाली लीड लगाते हैं, ये पावर वाली जब हम इसमें लीड लगा रहे हैं तो हमारा इसके अंदर देखिए पावर नहीं आ रहा है। तो आज इसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम कि इसके अंदर पावर क्यों नहीं आ रही है और आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ कि आपको इसकी प्रॉब्लम आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पहले से ही खोल रखा है। अब इसके अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले चेक क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये मेन लीड चेक करनी है कि कहीं हमारी मेन लीड तो ख़राब नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो, मैं ज़रा कैमरे को सही सेटिंग पे रख देता हूँ। तो दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं मीटर को कंटिन्यूटी पे ला देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें मेन लीड चेक करनी है कि हमारी ये मेन लीड सही है या ख़राब है। तो एक पॉइंट पे हम यहाँ लगाएंगे और मेन लीड के एक पॉइंट पे हम यहाँ लगाएंगे। तो ये देखिए बीप बोल रही है, हमारा ये वाला वायर सही है। फिर हम दूसरा वायर चेक करेंगे, दूसरा वायर हमारा ऑन ऑफ स्विच पे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी बीप बोल रही है, तो ये हमारा स्विच जो सही है। अब देखिए ये मेन लीड जो मैंने चेक करी है, ये हमारी मेन लीड सही है। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं इस मेन लीड को इसको पावर में लगाऊंगा। अब पावर में लगाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी 220 वोल्ट या 30 वोल्ट जा रही है या नहीं जा रही है। तो देखिए मैं इसको चेक करता हूँ। मीटर को हम एसी पे ला देते हैं 750 पे। देखिए मीटर को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारी वोल्टेज, ज़रा मैं इसको स्विच को ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर जो हमारी वोल्टेज है वो 245 244 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्विच से जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही है। अब हमें चेक करना है दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर की हमारी वायर है वहाँ तक वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। और दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जो ट्रांसफार्मर की जो तीन वायर जो हैं हमारी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये ट्रांसफार्मर की हमारी तीन वायर हैं, देखिए इसमें दो येलो है एक ब्लैक है। ब्लैक वाली हमारी ग्राउंड है और येलो वाली हमारी 12 और 12 है। तो अब देखिए इसको, ये वायर जहाँ आ रही है हमारी बोर्ड पे, अब इस वायर को मैं चेक कर लेता हूँ। ये याद रखें कि मीटर को हमें एसी पे रखना है। अब मीटर को हम ले आते हैं 200 पे और वो भी एसी पॉइंट पे, क्योंकि जो ये हमारी तीन वाली वायर जो होती है जो ट्रांसफार्मर से आती है ये एसी होती है। ये डीसी तब तक नहीं बनती है जब तक डाइवोर्ट से होके नहीं निकल जाती, तो इसलिए हम इसे एसी पे ही चेक करेंगे। तो ये देखिए इसमें हमारा ट्रांसफार्मर, देखिए कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा। ये देखिए हमारा ट्रांसफार्मर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पर एसी वोल्टेज तो जा रही है, लेकिन ये जो हमारी बोर्ड के अंदर जो वोल्टेज है वो वहाँ नहीं आ रही है। तो अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर को अलग से कनेक्ट करके देखेंगे कि इसके अंदर पावर आती है या नहीं आती है। तो ट्रांसफार्मर तो मैंने आपको चेक करना बता दिया कि इसके अंदर पहले चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। अब देखिए अब मैं इसके अंदर जो है एक इसको कनेक्ट करता हूँ ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर भी हमारा 12012 ही है। तो देखिए इस ट्रांसफार्मर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ और फिर चेक करते हैं हम क्या इसकी वोल्टेज आती है नहीं आती है। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए हमने ये तीनों पॉइंट लगा दिए हैं, जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर के पॉइंट लगते हैं ये वहीं लगेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है मैंने ये वाला लिया है 12012। अब इस मेन लीड को निकाल देते हैं हम और अब इस होम थिएटर को डायरेक्ट लगा के देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये हमारा होम थिएटर जो है ये ऑन हो गया है। देखिए ये हमारा होम थिएटर ऑन हो गया है। अब दोस्तों, अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, अब देखिए ये होम थिएटर हमारा चेक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक पेन ड्राइव लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों, हमारा होम थिएटर तो चालू हो गया है। अब इसके अंदर एक चीज देखिए आप, कि जब मैं देखो बेस के वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ तो इसमें सरसराहट की आवाज आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमारा जो बेस का वॉल्यूम है वो खराब हो चुका है, वो हमारा जो वॉल्यूम है वो खराब हो चुका है। और दोस्तों एक चीज़ क्या करें कि जब भी आप कोई होम थिएटर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो जिस होम थिएटर के साथ आपकी सेटेलाइट आई है उस सेटेलाइट को ना चेक करें, क्योंकि वो सेटेलाइट आपकी ख़राब भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। आप एक स्पीकर लें जिसे आप लगता है कि आपको वो सही है स्पीकर, और ये मैंने एक लीड लगा दी है इसके अंदर। अब इसको चेक करते हैं हम। तो ये देखिए, ये हमारा होम थिएटर चालू हो गया है। और देखिए इसके अंदर क्या है, जब मैं इसको वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम को, तो इसमें भी सरसराहट की आवाज़ आ रही है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा वॉल्यूम भी ख़राब है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होते हैं हमारे, ये 2 से 4-5 महीने में ये जो अगर इसको यूज नहीं करते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि आप किस तरीके से अपना ट्रांसफार्म चेक कर सकते हैं और दूसरा ट्रांसफार्म आप लगा के देख सकते हैं। तो इस होम थिएटर के अंदर दोस्तों हमारी पावर नहीं आ रही थी, तो मैंने आपको दिखाया कि पावर किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और किस तरीके से दूसरा ट्रांसफार्म आप कनेक्ट करके इसको होम थिएटर को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगा आपको कि इसकी जो सेटेलाइट है, जो यहाँ पर हम स्पीकर लगाते हैं, उनको भी रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा, क्योंकि वो भी हमारे ख़राब आए हैं इसके साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको होम थिएटर सही करके दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।